हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैनल एस वीडियो एंड ब्लॉग्स में। और अभी हम लोग आ चुके हैं मैप्रो गार्डन। मैप्रो गार्डन में सबसे पहले हम लोग गाड़ी लगाने के लिए आ चुके हैं और आप देख सकते हो ये जो एरिया है ये गाड़ी पार्क करने के लिए है और यहाँ पर फ्री पार्किंग होती है। यहाँ पे पार्किंग की कोई चार्जेस नहीं है, तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। और हम लोग दोपहर के टाइम पर आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं था, आप देख सकते हैं कुछ ही गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। तो चलिए अब चलते हैं मैप्रो गार्डन और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैप्रो गार्डन में क्या क्या है। तो ये मैप्रो गार्डन के अपोजिट साइड में है जहाँ पर आप बहुत से राइड्स वगैरह कर सकते हो। फैमिली के लिए राइड भी है और बच्चों के लिए भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे फैमिली राइड है, चिल्ड्रन राइड है, तो इसका भी मज़ा आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। और यहाँ पे इवनिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। यहाँ पे बहुत से लोग गाड़ी पार्क किए हैं रोड पर, वो भी अलाउड नहीं रहता है जब बहुत भीड़ हो जाती है। तो मैंने आपको जो पार्किंग दिखाया आप वहाँ पे गाड़ी लगा सकते हो। फन टाउन है इसका नाम जो मैंने आपको दिखाया है राइड्स वगैरह का। और ये मैप्रो के अपोजिट साइड में वैक्स म्यूजियम भी है, तो आप लोग यहाँ भी जा सकते हो। और यहाँ पे बाहर स्ट्रॉबेरी वगैरह मिल रही हैं। और ये है फाइनली मैप्रो गार्डन। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैप्रो गार्डन। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसके अंदर फैक्ट्री है जहाँ पर जेली, चॉकलेट, जैम्स वगैरह बनते हैं। तो चलिए बस हम लोग भी परचेस करते हैं और आपको भी दिखाते हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्पेशल है यहाँ का, वो सब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे शॉपिंग, रेस्टोरेंट, वॉशरूम, एटीएम, बेकरी, ऑडिटोरियम वगैरह बहुत कुछ है। और मैं आपको बताना चाहूँगी अगर आप वीकेंड्स को आ रहे हो, सैटरडे संडे या फिर कोई जिस दिन छुट्टियाँ रहती है उस दिन आ रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, आप बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करना है कि आप लोग यहाँ पे वीकडेज में आओ। और आप देख सकते हो यहाँ पे आयुष लग गया अपनी फेवरेट चीज़ें लेने के लिए। उसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है चॉकलेट जो कि यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे आपको डार्क चॉकलेट, आलमंड चॉकलेट, ये सब कुछ मिलता है तो जो कि आप यहां से ले सकते हो। और यहां पे ट्रॉली भी है तो हमने ट्रॉली ले लिया है, अद्विक को इसमें बिठा लिया है तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया है शॉपिंग करना। ये देखिए यहां पे चॉकलेट की पैकिंग कितनी जबरदस्त है। और ये है सारे चॉकलेट, बहुत से फ्लेवर है यहां पे। और ये है वो जेली वाली टॉफी, ये है फ्लेवर अमरूद का। और गाइज यहां पे एक सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको जो भी लेना है आप यहां पे टेस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे काउंटर होता है जो कि आपको टेस्ट करवाते हैं। यहाँ पे सामने आप देख सकते हो एक काउंटर है जहाँ पर ये सारे जो मोजिटो वगैरह हैं, ग्रीन एप्पल है, जो कि आप सोडा में या पानी में बना सकते हो। आपके घर कोई गेस्ट आए तो गर्मी के दिनों में, या आप खुद भी एंजॉय कर सकते हो, ऐसे पार्टी कर सकते हो। जो अल्कोहल वगैरह नहीं लेते उनके लिए तो और ज़्यादा अच्छा है ये। तो इसमें से आपको जो भी पसंद आ रहा है ना गाइज वो आप टेस्ट कर सकते हो। और टेस्ट करने के बाद अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो फिर तो पूछो मत। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर जैम वगैरह भी, हमने यहाँ से एक जैम लिया था मिक्स फ्रूट वाला जो कि अद्वी को बहुत ज़्यादा पसंद है। सॉस भी था, जैम भी था, बहुत कुछ था। गाइज यहाँ पे चिप्स वगैरह भी, इनके खुद की बनाई हुई खाखरा चिप्स, ये सब कुछ भी बहुत अच्छा था। तो ये सब भी आप ट्राई कर सकते हो। आराम से 2-3 घंटे का टाइम निकाल करके आइए और मैप्रो गार्डन में हमारी तरह एंजॉय करिए। तो बस ये सब हम लोगों ने परचेस किया, बहुत सी चीज़ें यहाँ से हमने लिया। और ये आपको जो मैंने बताया था अमरूद वाला, ये देखिए बच्चों के लिए यहाँ पर जेली भी है, ये भी बहुत मस्त है। तो हमने चीकू के लिए भी यहाँ से परचेस किया था। चीकू ने तो यहाँ ही खाना स्टार्ट भी कर दिया था, बिलिंग होते ही वो बच्चा खाने लगा था। ये वॉइस ओवर मैं बाद में दे रही हूँ गाइज, और थोड़ा सा मेरा आवाज़ भी आपको लग रहा होगा बहुत कोल्ड हो गया है जिसकी वजह से, लेकिन वॉइस ओवर करना है तो करना है, ऐसा हो गया है। यहाँ पे चॉकलेट्स की पैकिंग वगैरह भी बहुत अच्छी थी, आप अपनी फैमिली के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए भी ले सकते हो ये सब कुछ आप यहाँ पे। अभी हम लोग आ गए हैं बिलिंग काउंटर पे और आप देख सकते हो कि हमने ये चीजें ली। और यहाँ पर ऐसा था कि हमारा जितना अमाउंट हो रहा था उसमें कुछ 200 रुपए एड करने के बाद हमें स्ट्रॉबेरी की एक पिलो भी मिल रही थी बच्चों के लिए या फिर कार में रखने के लिए, तो मैंने वो भी ले लिया। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ कि वो पिलो कितनी सुंदर है जो कि हमने अपने कार में रखा, ये है वो पिलो। और हमें यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का एक बैग भी मिला है, स्ट्रॉबेरी प्रिंट का। तो गाइज अभी यहाँ पर कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैप्रो गार्डन खत्म हो गया है, अभी तो हमने सिर्फ शॉपिंग की है। अभी आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे आप बहुत सी चीजें बैठ के खा भी सकते हो और यहाँ पे फोटोज वीडियोस भी बहुत अच्छी निकाल सकते हो, क्योंकि मैप्रो गार्डन को बहुत बहुत ही सुंदर सजाया गया है। तो आइए बस चलते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ। इनकी खुद की बेकरी है, इतने बड़े बड़े ब्रेड पीसेस, यहाँ सैंडविच वगैरह भी है।
इनका गार्डन बहुत ही खूबसूरत है, वेल मेंटेन्ड, बहुत खूबसूरत गार्डन है। यहाँ पर इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं छोटे मोटे गार्डन में। हाँ, और ये, और यहाँ से आगे बढ़ने पर रेस्टोरेंट है। हाँ, और बहुत ही बड़ा एरिया है, सिटिंग एरिया है। हाँ, रेस्टोरेंट है तो कांच के बने हुए हैं, टेबल चेयर बहुत ही खूबसूरत, बैठ के आप खा सकते हैं पिज़्ज़ा सैंडविच और भी बहुत आइटम है। और यहाँ पे ये पिज़्ज़ा बन रहा है, पिज़्ज़ा ओवन है, बहुत ही बड़ा, बहुत मस्त होता है यहाँ पिज़्ज़ा वगैरह। बट हाँ, थोड़ा सा प्राइसी है, थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस कंपेयर टू मार्केट। आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पर। ये पिज़्ज़ा सैंडविच, सूप, डेजर्ट, थिक शेक, मॉकटेल, सूप, डेजर्ट्स, बहुत सारे आइटम हैं, ले सकते हैं आप। और यहाँ पर सेल्फ ऑर्डर के लिए भी है मशीन, इस तरह से बनी हुई है, आप ऑर्डर कर सकते हैं और UPI से पेमेंट कर सकते हैं। ऑर्डर देने के बाद यहाँ पर इस तरह से अलग अलग काउंटर हैं, शेक का काउंटर है, मॉकटेल है, आइसक्रीम है। आपको टोकन मिलते हैं इस तरह से, और इस तरह से आपको ये टोकन देना होता है यहाँ पर इनको, एंड दे विल गिव यू। और ये हमारा चॉकलेट शेक आ चुका है, बना रहे हैं, बहुत ही मस्त। केक लेने के लिए, क्योंकि कल रात को हमने जो केक लिया वो बहुत ही बेकार था, तो आज हमने नेट पे सर्च किया तो पंचगनी में हमें ये केक मिला, शॉप जिसका नाम है केक्स एंड क्रीम। यहाँ और भी शॉप हैं, चीज़ फैक्ट्री भी है। बस यही ले लेते हैं, ले लो, दे दो आप यही। और हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया है और उसके बाद हम लोग आ गए हैं महाबलेश्वर मार्केट। बहुत मस्त वेदर है, आज दिन में थोड़ी बारिश हुई थी तो उसकी वजह से थोड़ा और भी मौसम हो गया है। वैसे भी 18-19 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम। और आज हमारा लास्ट डे है वैसे भी, आज हमारी एनिवर्सरी है, लेकिन ये ब्लॉग जब तक जाएगा तो बहुत लेट हो चुका रहेगा। फिर भी आप विश कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज हमारा ये व्लॉग देखने के लिए। हमारा व्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी